और रुपेश बंसल आरबीआई मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूं। संत जगदीश मुनि जी का न्यूरो हीलिंग शिविर फाजिलका में 12 मार्च से शुरू होना है। यह शिविर रामलाल प्रदीप कुमार के प्रदीप ढींगड़ा के सहयोग से मानव कल्याण वृद्ध आश्रम में शुरू हो रहा है। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ संत जगदीश मुनि जी से, वे हमें जानकारी देंगे कि आखिर इस बार लगाए जाने वाले शिविर में किस तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। जी संत जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। संत जी, किस तरह का शिविर इस बार लगाया जा रहा है? सबको नमस्कार। कल से 12 तारीख से शुरू हो जाएगा शिविर। ये शिविर जो है पुलवामा में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उनकी याद में ये शिविर लगाया जाएगा और इसमें शरीर की हर एक बीमारी का जो है इलाज होगा। पीछे भी ये शिविर लगाया था फरवरी में और उसमें तकरीबन 8,000 रोगियों ने फायदा लिया था और काफ़ी लोगों की मांग के ऊपर जो है ये शिविर 12 तारीख से शुरू होगा और इसमें पूरे शरीर का इलाज होगा। इसके साथ साथ जो वीट एलर्जी के पेशेंट हैं उनका भी विशेष इलाज होगा और फाजिलका के जो अधरंग के रोगी है वो भी इस शिविर में पहुंच के अपना इलाज करवा सकते हैं। जी संत जगदीश मुनि जी, हमें जानकारी दे रहे थे कि इनका शिविर 12 मार्च को फाजिलका के मानव कल्याण वृद्धाश्रम में शुरू हो रहा है जिसमें हर प्रकार की बीमारी का इलाज होगा। संत जी के बारे में आपको बता दूं, पिछले 25 साल से इनके द्वारा न्यूरो हीलिंग पद्धति से लोगों का इलाज किया जा रहा है। 10 लाख से ज्यादा रोगियों को इलाज देकर उन्हें निरोग बनाया जा चुका है। इनकी संस्था निरोग जीवन संस्थान का एक ही लक्ष्य है, निरोग भारत बनाना, लोगों को बीमारियों से मुक्ति दिलाना। बिना दवाई के इलाज करते हैं। इनके द्वारा अब तक 10 लाख से ज्यादा रोगियों को ठीक करके यूनिक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया जा चुका है। जिनका शिविर यहां पर 12 मार्च से शुरू होगा, 12 मार्च से लेकर 27 मार्च तक यह शिविर यहां पर लगाया जाना है। फाजिलका निवासियों से अपील की जाती है कि आप इस शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे और बिना दवाई के अपनी बीमारी का इलाज करवाकर शरीर में पैदा होने वाले साइड इफेक्ट से बचें और अपनी बीमारी को जड़ से खत्म करें। जी संत जी, इस एक हमें ये बात बताइए कि शायद बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, आखिर इसका कारण क्या है बीमारियां बढ़ने का? देखो, बीमारियां बढ़ने का मेन कारण है अपनी बिगड़ी हुई दिनचर्या। अगर हम दिनचर्या को ठीक करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा उठने का, सोने का, खाने पीने का, काम करने का जो नियम है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, इससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। और ये शिविर जो है वृद्ध आश्रम के अंदर लगेगा जो बाता रोड के ऊपर है और कल से ये शुरू हो जाएगा। कल पहले दिन 10 बजे शुरू होगा, उसके बाद इसकी टाइमिंग जो है 8 से लेकर 12 बजे है और शाम को 3 से लेकर 6 बजे तक है। फाजिलका के एक जो कमीशन एजेंट है आरती प्रदीप जी ढींगड़ा, उनकी तरफ से ये सारा शिविर का जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है और उनकी ये इच्छा थी कि फाजिलका के लिए वैसे 21 से 27 तक हमारा शिविर लगना था लेकिन उनके आग्रह करने पर ये शिविर 15 दिवसीय किया गया और 15 दिन शिविर लगातार जो है फाजिलका में चलेगा वृद्ध आश्रम के अंदर। और इसमें सभी फाजिलका और आसपास के जितने भी संगत है वो पहुंच करके अपनी बीमारियों का इलाज करवा सकती है। ये सारा कुदरती इलाज है, बिना दवाई से है और पूरा परफेक्टिव है, क्योंकि ज़्यादातर हम जो दवाइयाँ खा रहे हैं बीमारियाँ उनके कारण भी बढ़ रही है, तो हम कुदरती इलाज का फ़ायदा लें, कुदरती इलाज के बारे में जानें और इससे अपना जो है शरीर के अंदर जो भी बीमारी है उसका लाभ लें। सभी फाजिलका और आसपास के जितने भी संगत है वो इस शिविर में पहुँच के अपना इलाज करवा सकती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, आप आकर के अपना इलाज करवा सकते हैं। ये संगत से हमारा निवेदन है। जी लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग अपने घुटनों का ऑपरेशन करवा रहे हैं, महंगी महंगी दवाइयां लेकर अपने शरीर को बीमारियों युक्त बना रहे हैं, लेकिन संत जी का एक ही लक्ष्य है बिना दवाई के लोगों का इलाज करना, बिना दवाई लोगों को ठीक करके जड़ तक काम करना। इनके द्वारा न्यूरो हीलिंग पद्धति की खोज की गई थी जो बीमारी के जड़ पर काम करके मात्र 5 दिन में बीमारी को ठीक कर देती है। इनका शिविर 12 मार्च को यहाँ पर लगाया जाना, आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।